नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग आपके सामने फिर हाजिर हों एक नई फ्रेश वीडियो लेके जिसमें हम बात करेंगे कि अपने बॉडी फैट फैट परसेंटेज को कैसे कम करें आज इसी पे बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लोग मोटे होते जा रहे हैं पेट के बढ़ते वजन को लेकर परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं और अगैरह वगैरह मार्केट का सामान खाते हैं घर का सामान नहीं खाते हैं और काफ़ी लोग तो वाइन का भी प्रयोग करते हैं जिसमें आपका लीवर तो खराब होता ही है आपका फैट परसेंटेज बढ़ते जाता है जिससे आपको आप बैठ जाइएगा तो उठ नहीं होता है उठ जाइएगा तो बैठने का जल्दी थक जाते हैं और भूख भी कम लगता है जिससे आपको गैस का भी प्रॉब्लम होता है ओके तो इसी सब का आज हम बात करेंगे क्योंकि हम आज क्या खाने वाले हैं अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने के लिए मॉर्निंग से नाइट तक यही इसी सब का बात करेंगे तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा ओके तो चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ अच्छी भोजन भी ज़रूरत है एक अच्छी बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए तो सुबह उठते ही तांबे के बर्तन में आप तीन से चार गिलास पानी पीजिए वो भी बिना मू हुए जब आप मुंह नहीं धोए होंगे तो आपके मुंह में जितना भी लाड़ होगा वो आपके पेट में जाता है और भोजन को अच्छी तरह पचाता है ओके और रात भर में रखे पानी पूरा चार्ज हो जाता है तांबे के बर्तन में जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अप हो जाता है और आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाता है ओके और आप तो इस समय कोई भी चाय या कॉफ़ी पीते हो तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आपको कोई भी फ्रूट खाना है ओके okay. आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं सेब केला अनानास कोई भी और केला जब खा रहे हो तो आप उस पर थोड़ा सा काली मिर्च रख लीजिए ओके okay. तो ये था ब्रेकफास्ट से पहले तो चलते हैं ब्रेकफास्ट पे तो चलते हैं ब्रेकफास्ट की ओर तो ब्रेकफास्ट में आपको अगर रोटी खाने की पसंद है तो एक दो रोटी अपने पनीर के साथ खा सकते हैं या पनीर के पराठे खा सकते हैं या रोटी के साथ एक दो अंडे खा सकते हैं ओके okay. ये चल था ब्रेकफास्ट अब चलते हैं आफ्टर 40 मिनट ब्रेकफास्ट के लंच में आप रोटी के साथ सोयाबीन चने भी खा सकते हैं अगर आप नन वेजिटेरियन हैं तो आप चावल के साथ चिकन भी खा सकते हैं फिश भी खा सकते हैं और घर का कोई भी अच्छा खाना बने वो आप खा सकते हैं ओके और लंच के बाद 10 से 15 मिनट बाद आप छाछ भी पी सकते हैं ओके तो चलते हैं आगे तो चलते हैं इवनिंग में इवनिंग में इस समय हमारा मोटिवेशन पूरा डाउन रहता है इस समय हमको समझ में नहीं आता हम क्या खाएं? तो कोई बात नहीं हम आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना है इस समय आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं या फिर आपको भुने चने खाना है तो भुने चने खा सकते हैं या फिर चने का चाट भी खा सकते हैं ओके अगर आपको ज़्यादा थोड़ा भूख लगी है तो आप, आप यहाँ चने का चाट भी खा सकते हैं केला और पीनट बटर भी खा सकते हैं और बाहर के फास्ट फूड से बचें तो चलते हैं रात के डिनर में रात के डिनर में आप जो भी दिन में लंच किए हैं वही आपको करना है बस क्वांटिटी थोड़ा कम होगा अगर ये आप डिनर में चार रोटी खाते हैं तो रात में आपको लाइट खाना है तीन ही खाना है ओके और रात में टाइमिंग क्या होनी चाहिए इसमें टाइमिंग मैटर करता है कि रात में आप लेट नहीं खा सकते हैं आपको खाना है सात बजे से आठ बजे तक अगर आप लेट खाते हो तो खाना पछता नहीं सड़ता है यह भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप लेट खाते हैं तो आपको क्वांटिटी तो कम करना ही है और खाने के बाद आपको थोड़ा वॉकिंग पे जाना है ओके और सोने से पहले आपको गुनगुने दूध पीना है जिसमें आपको हल्दी दे देना है और काली मिर्च दे देना है जिससे आपका टेस्ट आ जाएगा और बॉडी फैट परसेंटेज पूरा कम हो जाएगा ओके तो गाइज ये था आज का वेट लॉस प्लान जिससे आप वर्कआउट करें या ना करें आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि देखिए ये वीडियो आप ऐसा है आप 40 से 45 मिनट आपको जब भी टाइम मिले वर्कआउट करिए या फिर आपको ये आप नहीं भी करिएगा वर्कआउट तो ये आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा तो वर्कआउट साथ में करिएगा तो और फ़ायदा पहुँचेगा तो जब भी आपको टाइम मिले तो वर्कआउट जरूर करिए हल्का फुल्का आपको वर्कआउट की वीडियो नीचे फ्लैश हो रहा होगा उस चैनल पे जाइएगा आपको वो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी आपको मिल जाएगा और इस चैनल पे मिल जाएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि ऐसे ही वर्कआउट हेल्थ टिप्स आपको मिलते रहेगा ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय